हेलो दोस्तों, हम वापस आ गए एक अमेजिंग वीडियो लेके आप सबके लिए। और आज का जो टाइटल है वो है टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन्स इन मंथ ऑफ दिसंबर। दोस्तों, नवंबर थोड़ा ठंडा था दोस्तों, बट दिसंबर में काफी गर्मा गर्म स्मार्टफोन्स आने वाले हैं आप सबके लिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, काफी अमेजिंग स्मार्टफोन्स आने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम आशीष शर्मा, आप देख रहे हैं मिस्टर रावण। दोस्तों, मोटोरोला लेके आ रहे हैं मोटो जी 5G और मोटो जी 9 पावर। दोस्तों, दोनों ही स्मार्टफोन काफी अमेजिंग है और काफी लीक्स आ चुकी है दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन की, और यूरोप में तो ये दोनों फोन लॉन्च भी हो चुके हैं। दोस्तों, काफी अमेजिंग लग रहा है। मोटो जी 5G में दोस्तों आपको 750G प्रोसेसर मिलने वाला है, यानी कि 5G प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। और जो प्राइस होने वाली है वो 20 से 25 हज़ार होने वाले दोस्तों। और जो मोटो जी 9 पावर है उसमें बैटरी ज्यादा मिलने वाली है दोस्तों आप सबको। बाकी इन दोनों की प्राइसिंग देखते हैं, ये पता नहीं है कि एक ही साथ मतलब दोनों लॉन्च होने वाले हैं या फिर अलग अलग लॉन्च होंगे। बाकी आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक में दोनों स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, वीवो की तरफ से V20 प्रो लॉन्च होने वाला है दोस्तों दिसंबर के अंदर। अभी हाल ही में V20 SE लॉन्च हुआ था और V20 प्रो काफी अमेजिंग स्मार्टफोन लग रहा है। इसके स्पेक्स काफी अमेजिंग है दोस्तों। आपको प्रोसेसर में स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि एक 5G प्रोसेसर है, और 90Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगी। और कमाल की बात यह है, आपको सेल्फी में दो कैमरा मिलने वाले हैं, जिसमें से एक कैमरा 44 मेगापिक्सल का होने वाला है दोस्तों। ये काफी कमाल स्मार्टफोन होने वाला है। और वीवो तो V20 से मतलब अपनी वी सीरीज के लिए काफी फेमस है स्लीक डिजाइन के लिए, जो कि काफी अमेजिंग होते हैं। बाकी इतना कंफर्म नहीं है कि दिसंबर के मिड में आने वाला है या लास्ट में आने वाला है, बट आने वाला दिसंबर में ही है, तो इसके लिए वेट कीजिए दोस्तों। दोस्तों, अब बात करते हैं सैमसंग की। सैमसंग की तरफ से आपको 3 स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं दोस्तों दिसंबर के अंदर। जो पहला स्मार्टफोन है वो है सैमसंग A12 दोस्तों। ये बजट स्मार्टफोन होने वाला है। जो इसका हाईलाइटिंग फीचर होने वाला है वो इसका बैटरी होने वाले दोस्तों। और जो दूसरा स्मार्टफोन है वो M सीरीज का होने वाला है। ये रिवील नहीं हुआ है अभी कि कौन सा स्मार्टफोन है, बट M सीरीज से एक स्मार्टफोन होने वाला है और उसकी स्पेसिफिकेशन है वो काफी कमाल होने वाली है। और ये मिड रेंज का दोस्तों होने वाला है स्मार्टफोन। और जो तीसरा स्मार्टफोन हो सकता है वो S21 हो सकता है, मतलब सीरीज हो सकती है उसकी पूरी की पूरी। ये जनरली दिसंबर में नहीं होती है, जनवरी में होती है दोस्तों, बट ये मेरे को लग रहा है कि दिसंबर के एंड में भी आ सकती है और जनवरी के फर्स्ट वीक में भी आ सकती है, सेकंड वीक में भी आ सकती है। बट जो सैमसंग की S21 सीरीज है काफी कमाल लग रही है। इसके अंदर आपको S21, S21 प्लस, S21 अल्ट्रा देखने को मिल सकते हैं, और जो अल्ट्रा के स्पेसिफिकेशन है वो काफी कमाल लग रही है दोस्तों, तो इसका वेट कर सकते हैं दोस्तों हम। दोस्तों, जो अगले स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं उसके लिए मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ दोस्तों। वो होने वाली है रियलमी की X7 सीरीज दोस्तों। इसके अंदर आपको डायमेंसिटी के प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, यानी कि आपको 15,000 के अंदर मतलब 5G प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, 20,000 के अंदर प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है 5G, वो भी दोस्तों काफी अमेजिंग होने वाला है दोस्तों। सोचिए इतने अमेजिंग स्पेक्स मिल जाए हमें इतने प्राइस में। बाकी हम सब उम्मीद करते हैं कि जो प्राइसिंग हो वो काफी अच्छी हो, हमारे लिए सही हो दोस्तों। तो इस स्मार्टफोन के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ, आप भी हो सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं शाओमी की। शाओमी की तरफ से भी आपको एक स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है दोस्तों। अभी 26 तारीख को ही नोट 9 5G वर्जन चाइना में लॉन्च हुआ है, और इसी का ग्लोबल जो वर्जन है मतलब वो नोट 10 बन के ग्लोबल में आ सकता है दोस्तों, मतलब इंडिया में भी आ सकता है दोस्तों, वो भी दिसंबर में आ सकता है। काफी अमेजिंग लग रहा है दोस्तों, एक महीने से इसके स्पेसिफिकेशन इधर उधर घूम रहे हैं दोस्तों, वो काफी अमेजिंग लग रहे हैं। बाकी उम्मीद ये करते हैं कि इंडिया में भी आए इस बार दोस्तों। मी का ही कजन ब्रदर यानी कि पोको, वो भी आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों। पोको की तरफ से पोको M3 देखने को मिलने वाला है। यूरोप में ही लॉन्च हो चुका है दोस्तों, और जिसका जो अमेजिंग फीचर लग रहा है मुझे सबसे, वो इसका कैमरा लग रहा है दोस्तों, और जो कटआउट है वो भी काफी अमेजिंग है, वन प्लस साइबर पंक जैसा ही है दोस्तों। और इसके अंदर आपको 662 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, और 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, और ये इंडिया में आ रहा है नवंबर के अंदर दोस्तों। दोस्तों, जो अगला स्मार्टफोन है वो है ओप्पो रेनो 5 सीरीज दोस्तों, जो दिसंबर में इंडिया में आ सकती है दोस्तों। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, 90Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगी, और 65W का चार्जर मिल जाएगा दोस्तों, जो काफी अच्छी चार्ज करेगा, मतलब बहुत तेज चार्ज करेगा। और जो ये ओप्पो रेनो सीरीज है वो कैमरा के लिए मतलब फेमस है, कैमरा स्पेसिफिक है। और जो इसका प्राइसिंग हो सकता है वो अभी लीक नहीं हुआ है दोस्तों, मतलब अभी पता नहीं चला है,
और मुझे लगता है कि काफी अच्छे प्राइस में आने वाली है और आप सब इसके लिए वेट कर सकते हैं। दोस्तों 2 नवंबर को इन्फिनिक्स की तरफ से 08 आने वाला है। दोस्तों इसमें आपको 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाली है जो कि काफी अमेजिंग होने वाली है। 33 वोल्ट्स का चार्जर देखने को मिलने वाला है और जो कैमराज होने वाले वो भी काफी अमेजिंग होने वाली है और जो प्रोसेसर है वो भी इस बार अच्छा होने वाला है दोस्तों। और इस स्मार्टफोन के लिए आप वेट कर सकते हैं क्योंकि बजट स्मार्टफोन होने वाला है, 15,000 की रेंज में होने वाला है जो कि काफी कमाल होने वाला है दोस्तों। लावा की तरफ से भी कोई स्मार्टफोन आ सकता है, अभी वो लिस्ट हो चुका है हाल ही में। उसका नाम जो है वो है लावा बेंगलोर दोस्तों। उसके अंदर आपको एंड्रॉइड 10 देखने को मिलने वाला है, 4 GB की रैम देखने को मिलने वाली है और हीलियो का G35 या P35 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। और आई एम नॉट श्योर ये दिसंबर में ही आएगा, जनवरी में भी आ सकता है दोस्तों, बट काफी अमेजिंग लग रहा है कि इंडियन मार्केट में जो मतलब इंडियन ब्रांड्स हैं वो आगे आ रहे हैं दोस्तों और ये बजट रेंज का होने वाला है दोस्तों और आप इसके लिए वेट कर सकते हैं दोस्तों। एक और अमेजिंग न्यूज ये है कि दिसंबर 1 को आपको क्वालकॉम का इवेंट देखने को मिलने वाला है जिसके अंदर 875 प्रोसेसर लॉन्च होने वाला है और इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्मार्टफोन में आने वाला है। इसके लिए भी आप वेट कर सकते हैं दोस्तों, काफी अमेजिंग होने वाला है ये। बाकी आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो, जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आप सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।